गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत अपन ने विभिन्न अध्यायों का अध्ययन किया, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने एक नई यूनिट को स्थापित करने के लिए कौन सी वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में जाना। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोषों का निर्माण, रेजिंग फंड्स। उद्यमी अथवा साहसी को अपने मस्तिष्क में आए विचार को साकार करने के लिए कोषों का निर्माण अथवा सृजन करना पड़ता है। ऐसी दशा में यहाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कोष यानी फंड क्या है। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कोष शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या विभिन्न अर्थों में की जाती है। कोष का यानी फंड का जो मीनिंग है, आशय है, वो नगद कोष से होता है, कैश फंड से होता है, अर्थात नगद को, कैश को ही कोष कहा जाता है या उसको कोष से ही मीनिंग लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्था है उसके लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार कोष से तात्पर्य नगद तुल्य अथवा कार्यशील पूंजी से होता है। और इस प्रकार नगद में, कैश में कोई भी परिवर्तन या कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तथा कुल वित्तीय साधनों या स्रोतों में परिवर्तन कोषों के निर्माण में सम्मिलित माना जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर यह कहें कि कोष के निर्माण में वित्त या वित्त के स्रोत ही सम्मिलित होते हैं, तो हम उस वित्त के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि वास्तव में कोष यानी मुद्रा या फाइनेंस से इसका संबंध होता है। तो फाइनेंस, क्योंकि वित्त किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत एक व्यवसायी को इस सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो किसकी होती है, फाइनेंस की, वित्त की। क्योंकि अगर उसके पास पूंजी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो वो अपने किसी भी व्यवसाय को स्थापित नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसको इस तरह के फंड्स को रेज करना पड़ता है, यानी अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ता है, पूंजी का निर्माण करना पड़ता है, तभी वो उस बचाए हुए कोष से या उस फंड से अपने व्यावसायिक संगठन को चला सकता है। तो इस प्रकार से वित्त और वित्त के स्रोत क्या हो सकते हैं, एक साहसी के लिए किस प्रकार से वो अपने वित्त को प्राप्त कर सकता है, उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वित्त का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ फाइनेंस। वित्त किसे कहते हैं? तो उद्यम या किसी उपक्रम या व्यवसाय में वित्त का अर्थ पूंजी से लगाया जाता है, कैपिटल से। और इसलिए वित्त का अर्थ जो है वो है पूंजी या ऋण प्राप्त करना या ऋण प्राप्ति से है, ताकि उद्यमिता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो व्यावसायिक वित्त से अभिप्राय व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग से माना जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया है वित्त को। तो उसमें जैसे प्रोफेसर एस सी कुच्छल ने वित्त को डिफाइन किया है, वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती हैं। फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्युमुलेटेड फंड्स टू प्रोडक्टिव यूजेस। यानी वित्त को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में माना है जो कि संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो संचित का मतलब जो इकट्ठा किया गया कोष है, फंड जो बनाया गया है, तो उस फंड के माध्यम से
उसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से वित्त क्या हुआ, एक उसको एक प्रक्रिया के रूप में माना है, प्रोसेस के रूप में माना है, क्योंकि वित्त को विभिन्न साधनों से कलेक्ट किया जाता है और उनका एक फंड बनाकर उसको सेविंग के रूप में रखा जाता है, ताकि किसी भी समय आवश्यकता होने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार एफ डब्ल्यू पेश ने इसको डिफाइन किया है, मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त का अभिप्राय मुद्रा की उस उपलब्धि से है जब उसकी आवश्यकता हो। यानी कि इन अ मॉडर्न मनी यूजिंग इकोनॉमी फाइनेंस में बी डिफाइंड एज प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम इट इज वांटेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फंड किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी बनाकर रखते हैं ताकि जब भी उसे आवश्यकता हो उस फंड का यूज़ कर सके, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह के वित्त के द्वारा कोई भी उद्यमी या कोई एक साहसी व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हुए वित्त को इकट्ठा करता है और उस वित्त का उपयोग करता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में अगर हम शॉर्ट में कहें तो वित्त का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कैश या ऋण यानी लोन राशि को प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है ताकि उद्यम अथवा संगठन के उद्देश्यों के अनुसार उसका उपयोग किया जा सके या उसको उपयोग में लाया जा सके। अब इस आधार पर हम देख सकते हैं कि वित्त किसी भी साहसी के लिए किसी उद्यम में कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है, यानी कितनी उसकी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम देखते हैं कि वित्त की आवश्यकता और क्या इम्पॉर्टेंस है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। जैसे कि आधुनिक युग में प्रत्येक जो उद्यमशील कार्य के लिए वित्त की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना उद्यमी अथवा साहसी का कार्य करना कठिन होता है या वो इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए वित्त किसी भी आर्थिक क्रिया का एक जीवन रक्त लाइफ ब्लड होता है, उसके रूप में इसको जीवन रक्त के रूप में माना जाता है। व्यवसाय अथवा संगठन में वित्त के महत्व की तुलना में मानव शरीर में रक्त संचार से की जा सकती है। जिस प्रकार व्यक्ति के पूरे शरीर में बॉडी में अगर रक्त का संचार नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैसे इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए सीपी श्रीवास्तव ने कहा कि वित्त उद्योग एवं वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को यानी गाड़ी के व्हील को चिकनाई देने वाला तेल या हड्डियों के लिए मज्जा एवं नाड़ियों के लिए रक्त का कार्य होता है। तो ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है फाइनेंस किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी उद्यमी के लिए। इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदु दे सकते हैं, जैसे व्यावसायिक उद्यम की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। व्यावसायिक उपक्रम के प्रत्येक प्रारूप के प्रवर्तन अथवा स्थापना के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो कंपनी के जैसे रजिस्ट्रेशन कराने, समामेलन एवं व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने के अतिरिक्त जैसे कार्यालय स्थान, यंत्र, मशीन, साज सज्जा खरीदने और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार व्यावसायिक उद्यम की प्रारंभिक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस
क्योंकि वित्त क्या है, व्यवसाय का एक सोर्स है, साधन है, और इसके अभाव में व्यवसाय का कुशल संचालन करना संभव नहीं हो सकता है। तो इसका कारण क्या है कि वित्त से वस्तुओं एवं कच्चे माल का क्रय, यानी उनको कच्चे रॉ मटेरियल को खरीदा जाता है, और उस रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर कस्टमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने और पक्के माल में उसको बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और इस प्रकार से कच्चे माल से लेकर पक्के माल में परिवर्तन के पश्चात विक्रय करना आसान होता है, और उस काम को करने के लिए भी एक वित्त की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार व्यवसाय का विकास एवं विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, आधुनिक युग की समस्त क्रियाएं विकास एवं विस्तार के लिए फाइनेंस यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और पूंजी से एक नहीं कई प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय और निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तकनीक, मशीनों एवं यंत्र खरीदने हेतु कई प्रयोगशालाएं स्थापित करनी पड़ती हैं, और उन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने और नई मशीनों को खरीदने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता या पूंजी का महत्व होता है। सुदृढ़ व्यावसायिक स्थिति के लिए साउंड बिजनेस पोजीशन में वित्त ही एक ऐसा आधार होता है जिससे व्यवसाय की सुदृढ़ और कमजोर स्थिति का पता चलता है। और इसका कारण है कि वित्त की जो पर्याप्तता होने से पूर्तिकर्ताओं को आसानी से भुगतान किया जा सकता है, और कर्मचारियों के पारिश्रमिक और उनकी सुविधाओं को प्रदान किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए टू फेस कंपटीशन, इसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज की जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विज्ञापन या जो प्रमोशनल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, तो ये सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वित्त या पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी के बिना इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। आधारभूत सुविधाओं हेतु और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे व्यावसायिक उद्यमिता के लिए जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मतलब हम कहें तो ये दूसरी बात है कि वित्त कम या अधिक हो सकता है, यह तो उसके यानी कार्य के क्षेत्र पर निर्भर करता है कि एक व्यवसाय का आकार कैसा है। तो पूंजी कम या ज़्यादा यानी कितना वित्त चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, ये किसी संगठन के आकार प्रकार पर निर्भर करता है, उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो व्यावसायिक क्रियाओं के लिए जैसे उसका स्थान, भूमि या कार्यालय की जगह, उद्योग को लगाने के लिए जो संयंत्र अभिन्यास है, प्लांट लेआउट, कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तन करने के लिए स्थान, जल, विद्युत, टेलीफोन, ये सारी आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का आधुनिकीकरण करने के लिए, व्यवसाय को आधुनिकीकरण एवं उससे चलाने के लिए कई नई टेक्निक्स, नए साधन, नई मशीनें, नए नए प्रोडक्ट और कंप्यूटरीकरण इत्यादि की आवश्यकता होती है। उन सबको प्राप्त करने के लिए फाइनेंस चाहिए यानी पूंजी चाहिए, और इसमें वित्त के बिना ये सारे कार्य करना संभव नहीं होता है। विपणन व्यय हेतु फॉर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एक उद्यमी को विभिन्न प्रकार के अपने जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, तो उन पे उसको बहुत सारे खर्चे या व्यय करना होता है, तो उस खर्चों को करने के लिए या उन व्ययों के लिए भी वित्त अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए और कई अन्य आवश्यकताएं, जैसे बहुत सारे नीड्स एक उद्यमी को अपने व्यवसाय में देखनी होती हैं, जैसे शोध या विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना या इस प्रकार के कार्य करना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर ध्यान देना, औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी होती हैं और उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, तो ये सभी बातें किसी व्यवसाय की सफलता
के लिए आवश्यक होती हैं। तो प्रबंधक यानी एक उद्यमी और एक साहसी अपने व्यवसाय या एक व्यवसाय के लिए हम कहें, इन सभी काम को करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और बिना पूंजी के, बिना वित्त के वो ये सारे कार्य करना उसके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि फंड रेज करने में वित्त का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वित्त की एक आवश्यकता या उसका महत्व अत्यधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे उद्यम की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक अथवा वित्त को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक।